एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, हैप्पी राखी इन एडवांस सभी भाइयों को, सभी बहनों को राखी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राखी का त्यौहार है तो राखी पर राखी स्पेशल मिठाई तो बनती है, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यमी, यूनिक और क्विक रेसिपी, जिसको हम कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं, और वो भी अपने किचन के ही सामान से। कुछ भी हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, वही सामान है जो हमेशा हमारी रसोई में होता ही है। कोई भी भाई अपनी बहन के लिए बना सकता है, कोई भी बहन अपने भाई के लिए बना सकती है। मिनटों में बनने वाली रेसिपी है और सिर्फ दो चार चीज़ों से। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज की सुपर सॉफ्ट डिलीशियस मिठाई। शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम चना। चना तो सबके घर में इजीली होता ही है, तो यहाँ पर मैंने चने के जो छिलके थे उनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। और फ्रेंड्स, आप अगर ग्रॉसरी शॉप से ले रहे हैं तो आपको वहाँ से बिना छिलके वाला चना भी मिल जाएगा बहुत ईजिली। लेकिन अगर आपके घर पे जो छिलके वाला चना होता है उसके आप छिलके किसी कपड़े से रब करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि चना कितना ज़्यादा हेल्दी होता है और इससे बनी हुई मिठाई तो उससे भी ज़्यादा हेल्दी होगी। तो यहाँ पर मैंने चना लिया है। अब हम लेंगे एक मिक्सी ग्राइंडर और उसमें हम डालेंगे चना। चने को रोस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, इस रेसिपी में गैस नहीं जलाना है हमको, बिना गैस जलाए ही हम ये मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चने को मिक्सी के कंटेनर में डाल लिया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी। आप इसमें खांड, बूरा या फिर जो भी आपके पास हो मिश्री, उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। इसके साथ ही मैंने 3 से 4 हरी इलायची ऐड कर दी है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप प्लीज़ वो डालिए, मेरे पास अभी इलायची का पाउडर नहीं था। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का हल्का सा इसमें दाना होना चाहिए, जो कि मिठाई में अच्छा लगता है। जब दानेदार मिठाई हमारी बनती है तो वो बहुत अच्छी लगती है और टेस्टी भी होती है। तो ये देखिए, इसलिए मैं बोल रही थी आपसे कि इलायची के जो छिलके थे वो इसमें रह गए हैं, लेकिन उनको निकाल देंगे, कोई बात नहीं है, एक दो रह गया होगा, बाकी सब अच्छे से पिस गए हैं। तो अब हम इसमें एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे इसको, ये देखिए इस तरीके से। फ्रेंड, फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, मैं फिर से बता रही हूँ, पल्स मोड पर आपको मिक्सी को चलाना है रोक रोक के। बहुत जल्दी ये बन जाएगा, सिर्फ 2 से 3 बार चलाने से ही फाइन, मतलब जितना पाउडर हमें चाहिए जिस तरीके का, उस तरीके का बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें डालते हैं मोइन के लिए, जी हाँ, इस मिठाई में हमें मोइन की तरह घी का यूज़ करना है। हम इसमें डालेंगे हल्का गर्म देसी घी। आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून से लेकर 2 टेबल स्पून तक घी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जिस तरह से हम मुट्ठी बांध कर देखते हैं ना, उसी तरीके से देखेंगे। इसकी मुट्ठी अगर अच्छे से बन रही होगी तो मोइन इसमें परफेक्ट है। अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें थोड़ा घी और डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा घी और डाला था, तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून घी डाला है, और अब देखिए ये अच्छे से बन रहा है। अब हम ले लेंगे घर पर ही रखी हुई एक और चीज़, जिसको कहते हैं मलाई। ये फ्रेश मलाई है, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। वैसे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मिठाई इस के अंदर जाकर अच्छे से मिक्स हो ही जाती है। तो ये देखिए, मैंने मलाई भी यहाँ पर डाल दी है, थोड़ी मलाई मैंने बचा ली है, देखते हैं कितनी हमें ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम इसमें मलाई को ऐड करेंगे। बाकी इसमें आपको ना ही दूध लेना है, ना ही और कोई चीज़ लेनी है, और इसका जो टेस्ट है ना वो इतना यमी है, मैं पर्सनली बता रही हूँ, बहुत बिल्कुल भी फेल होने वाली ये मिठाई नहीं है। आप इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, अच्छे से मिला देंगे। वो मलाई भी मैंने इसमें ऐड कर ली थी, और इस तरीके का इसका सॉफ्ट डो बनाना है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनाना है, जितना हम रोटी के लिए बनाते हैं उससे हल्का सा सॉफ्ट बनाना है। अब मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 1 पार्ट्स को हम ऐसे ही रखेंगे, और 1 पार्ट में हम हल्का सा ग्रीन कलर, फूड कलर मिला देंगे।
आपके ऊपर है, आप मिलाना चाहे मिलाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है, घर पर बना रहे हैं आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। चने का कलर येलो होता है तो हल्का येलोइश कलर का पहले से ही ये डो है और मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है ग्रीन। तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पार्ट्स निकालेंगे और उनकी बॉल्स बनाकर मिठाई बनाने की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए, मैंने जो येलो वाला पार्ट था वो छोटा लिया है और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो बड़ा लिया है। आपको भी इसी तरह लेना है या फिर कोई सा भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ग्रीन वाले पार्ट से मैंने बॉल निकाला और उसको इस तरीके से पेड़े के शेप में बिल्कुल इस तरीके से पूरी की तरह बना लिया। अब हम इसको इस तरीके से रख लेंगे, किसी भी प्लेट पे रख लीजिए आप या फिर कैसे भी, और चाकू की हेल्प से इस तरीके से इस पे डिज़ाइन बना देंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो और आप इजीली बना पाएं। वैसे तो ये सबसे इजी है, बहुत इजी है और बिल्कुल राखी वाली शेप का है। तो राखी के शुभ अवसर पर आप इसको ज़रूर बनाइए, खाने में भी बहुत टेस्टी है और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। अब जो मैंने येलो वाला पार्ट लिया था उसको इस तरीके से हम इसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, हमारी मिठाई कितनी अच्छी बन गई है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, देखिए आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और अब हम इसको प्लेट में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसे उठाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम कीजिए, इस तरीके से इसको बनाकर और फिर एक फॉयल पेपर के ऊपर रख लीजिए और वहाँ पे इसको कट कीजिए। सभी मिठाई एक साइज़ की बने उसके लिए आप किसी कटोरी या फिर किसी ढक्कन से इसको ना इस तरीके से निशान लगा लीजिए हल्का सा, तो उसमें और आसानी रहेगी, सभी जो मिठाइयाँ हैं वो एक ही साइज़ की बनेंगी। तो ये देखिए, मैंने सभी मिठाइयाँ इसी तरीके से बनाकर तैयार कर ली हैं और हाथों से इस तरीके से आपको ना इसकी जो शेप है उसको ठीक कर देना है। और अब ये देखिए, येलो वाले पार्ट का हम फिर से इसी तरीके से छोटी सी रोटी सी बनाएंगे और दूसरी वाली जो मिठाई है उसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। आप इसके बीच में ना स्टफिंग भी कर सकते हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर रख सकते हैं जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। ये आइडिया मुझे बाद में आया था, लेकिन आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो मिठाइयाँ बनने के बाद थोड़ा थोड़ा सा इसमें जो डो बच गया था उसको हम एक जगह मिक्स कर लेंगे और उनके हम इस तरीके से पेड़े बना लेंगे। तो इतनी छोटी सी चीज़ में से हमने दो तरह की मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और खाने में इसका टेस्ट कैसा था। तो ये देखिए, हमारे पेड़े भी बनकर तैयार हैं, अब हम इनको गार्निश करेंगे। तो जो पेड़े हैं उनको मैंने काजू से गार्निश किया है और जो हमारी राखी स्पेशल मिठाई है उसको हम इस तरीके से मेलन शीट से डेकोरेट कर रहे हैं। आप इसको किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, काजू से कर सकते हैं, बादाम से कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि जो इसका टेस्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका टेस्ट आपको ना बिल्कुल बेसन के मिठाई या फिर बेसन के लड्डू की तरह लगेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि उससे भी ज़्यादा अच्छा आपको इसका टेस्ट लगेगा। चाकू से इस तरीके से इस पे आप डिज़ाइन बना दें और अच्छी लगेगी। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी सुपर सॉफ्ट बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।